हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिपिका और आज मैं ले आई हूँ बहुत ही क्विक इजी रेसिपी जो है फिश फ्राई। और ये नॉर्मल फिश फ्राई नहीं है, एकदम स्पाइसी सिजलिंग वाला फिश फ्राई है। अगर आप नॉर्मली घर पे रोज रोज ऐसे नॉर्मल फिश फ्राई खा के बोर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बिल्कुल आपके फायदेमंद का काम है ये वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फिश। हमने दो फिश ले लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और कट भी लगा दिया, आप देख सकते हैं। और बंगाली में इसे तेलापिया फिश बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ यही अवेलेबल है इसलिए इसे बना रही हूँ। और साथ ही में इसके लिए चाहिए हमें हरी मिर्च, लाल मिर्च और अदरक लहसुन, साथ ही में यहाँ थोड़ा सा बेसन, लेमन जूस, सॉल्ट और ये मसाले जो हमें चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिश फ्राई के लिए सबसे पहले हमने जो ये मसाले ले लिए हैं, इसको हम अभी मिक्सिंग जार में पीसेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मिक्सिंग जार में हमने मसाला पूरा पीस लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। मसाला हमारा पिस चुका है, अब बाकी जो मसाले हैं उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जितना हमें चाहिए। बाकी हम अभी से अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से मिला लिया है, अब हम फिश के ऊपर इसे लगा लेंगे अच्छे से। इसको नॉर्मली हमने अच्छे से इसको लगा लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको मसाले को मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर लेमन जूस ऐड करेंगे, चाहे तो ऐड करे वरना ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लिया है और थोड़ा सा हम बेसन स्प्रिंकल करके इसके ऊपर छिड़क देंगे। चलिए अब हम, ये हमारा हो चुका है, अभी हम अपना पैन गर्म होने रखते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे ऑयल। इतना ऑयल सफिशिएंट है फिश फ्राई के लिए, बस अभी हम ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा धुआं निकल रहा है। फिश के लिए थोड़ा सा ऑयल ज्यादा गर्म करना पड़ता है। अब हम आराम से हमारा जो फिश है वो डाल देंगे, दोनों अब इसे मीडियम फ्लेम में एक एक साइड करके पकाएंगे। फिश हमारा ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट फ्राई हो चुका है, अभी हम इसको पलट देंगे एक साइड से, आराम से, बिल्कुल आराम से। हमें इसको ऐसे ही फ्राई करना है, एकदम स्मोकी सिजलिंग, एकदम तीखा और एकदम कड़क कड़क फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट और रखेंगे, फिर नेक्स्ट फिर से हम एक और साइड फ्राई करेंगे, अनदर साइड भी कर लेंगे फिर से। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और दिख भी रहा है एकदम डिलीशियस। फिश को ऊपर से कोटेड है इसलिए फिश को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फिश है वो अंदर से भी पूरा अच्छे से पक जाए।
ऐसे 3 से 4 बार पलटा पलटा के करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो फिश है पूरी अच्छी तरीके से पक जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं फिश फ्राई हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और खाने में भी उतना ही डिलीशियस रहेगा। चलिए अब लास्ट हम लोग इसे सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल टच इसका। सो गाइस, फाइनली हमारा फिश फ्राई, सिजलिंग फिश फ्राई तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है और आप भी ऐसे ट्राई करके देखिए कि कैसा बनता है और कैसा लगता है टेस्ट में। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।